सिटी बच चुकी है और मजा आने वाला है फुल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको जॉयगांव पिकनिक पार्क। और जॉयगांव पिकनिक पार्क में काफी कुछ चेंजेस अभी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी नई नई राइड यहाँ पर ऐड हुई हैं। जिप लाइन कर सकते हैं, जिप साइकिलिंग कर सकते हैं, बॉडी जॉर्बिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बड़ा रोप कोर्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाला था। पूरा जॉयगांव आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। और यहाँ पर आने के लिए आपको क्या टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा, क्या टाइमिंग होने वाले हैं, वो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं देने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में एक बेहतरीन डील भी बताने वाला हूँ, जिससे जॉयगांव आने पर आपका जो काफ़ी सारा पैसा बच पाएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इस वाले गेट से एंट्री करते हैं और फुल एक्सप्लोर करते हैं जॉयगांव को। सामने आप देख पा रहे हैं जॉयगांव पिकनिक पार्क का मेन एंट्री गेट आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है। और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, स्कूल के साथ में काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये सारी बसेस वगैरह आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अपने व्हीकल को पार्क करने के बाद इस वाले गेट के थ्रू आप अंदर जाएंगे। और ये वाली मेन रोड रोहतक हाईवे को कनेक्ट कर रही है। तो अब सामने ये गेट देख पा रहे हैं और इस गेट के थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। काफ़ी मज़ेदार आज का ये व्लॉग होने वाला है और इस तरह का मोस्ट वार वेलकम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। मज़ेदार आज का वीडियो होने वाला है। देखो जॉयगांव आने पर आपको सामने टिकट काउंटर देखने के लिए मिलने वाला है और कुछ इस तरह का आपको टिकट मिलने वाला है। टिकटिंग के मैं प्राइसिंग की बात करूं तो सामने सारी डिटेलिंग लिखी हुई है। यहां पर अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं 3 फीट से कम के हैं तो उनके लिए कम्प्लीमेंट्री है, कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा। चिल्ड्रन 3 से 4 फीट के हैं तो 699 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और एडल्ट 4 फीट प्लस हैं तो आपको 1299 पे करना पड़ेगा। फूड सारी राइड्स इसमें कम्प्लीमेंट्री हैं और फुल एक्सप्लोर कर पाएंगे आप जॉयगांव पिकनिक पार्क। तो इस वाले गेट के थ्रू एंट्री करते हैं और फुल एक्सप्लोर करते हैं जॉयगांव पिकनिक पार्क को। इस तरह का आपको बैंड मिलेगा जो हमारे हाथ पर बजने वाला है और अंदर एंट्री करने वाले अभी। जॉयगांव पिकनिक पार्क में एंट्री होने के बाद सबसे पहली जो आपको राइड देखने के लिए मिलने वाली है उसका नाम है कैटरपिलर। और यहाँ पर चल रही है कैटरपिलर राइड, जिसमें काफ़ी बच्चे फन करने वाले हैं और इस तरह के ड्रैगन में आप इंजॉय करने वाले हैं। तो ये राइड काफ़ी मज़ेदार हो रही है, स्कूली बच्चे काफ़ी फन कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी राइड अवेलेबल हैं जिनमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस राइड को इंजॉय करते हैं और इसके बाद में फिर चलते हैं आगे के एरिए में जहाँ पर और भी सारी राइड अवेलेबल है। मैंने अपनी जॉयगांव पिकनिक पार्क की टिकट DRS डील के थ्रू बुक की और काफ़ी हैवी डिस्काउंट मैं बचा पाया। इनफैक्ट 1299 का टिकट आपको 849 रुपीज़ का पड़ने वाला है। इट मीन 450 रुपये का सीधा प्रॉफिट। इस तरह के बेनिफिट आप भी DRS डील के थ्रू टिकट बुकिंग कर ले सकते हैं। DRS डील्स के पास दिल्ली NCR के मोस्ट ऑफ द फार्म्स के टिकट कंसेशन रेट पर अवेलेबल हैं। सामने आप लिस्ट देख पा रहे हैं, मेरा गांव मेरा देश जो कि 1200 का टिकट आपको 799 रुपीज़ का पड़ने वाला है। यदुवंशी फार्म पर भी काफ़ी डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं। माधवगढ़ फार्म की आप बात करें तो 1250 रुपये का टिकट आपको 699 का पड़ने वाला है। ऐसे ही सूरजगढ़ फार्म का टिकट 1350 का होता है बट DRS डील के थ्रू 849 का पड़ने वाला है। रंगमंच फार्म पर भी काफ़ी सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप अपने टिकट कंसेशन रेट पर पा सकते हैं। दिल्ली NCR के सभी फार्म्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अपना मनपसंद फार्म में जाने के लिए आप सारी डिटेलिंग, टिकट प्राइस सभी जान सकते हैं। तो जॉयगांव में इस तरह की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मज़ेदार होती हैं और रस्सा कस्सी की एक्टिविटीज़ को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप। इस साइड में गर्ल्स लगी हुई हैं और इस साइड में बॉयज़ लगे हुए हैं। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जॉयगांव पिकनिक पार्क आ रहे हैं और किड्स के साथ आ रहे हैं या स्कूल पिकनिक के साथ आ रहे हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस साइड में गर्ल्स लगी हुई हैं और इस साइड में लगे हुए हैं बॉयज़ और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कौन जीतता है और कौन हारता है उससे मतलब नहीं है, बट मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सिटी बच चुकी है और मज़ा आने वाला है फुल। ओए लड़के जीत गई है। तो ये वाला ग्रुप लड़कियों वाला जीत चुका है हमारा और आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को काफ़ी फन कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं। जॉयगांव पिकनिक पार्क के अंदर आपको 360 डिग्री साइकिलिंग की भी फैसिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे
इस राइड में वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों में। और राइड करने के लिए आपको इस साइकिल पर बैठना पड़ेगा और फिर साइकिल से आपको बेल्ट के थ्रू बांध दिया जाएगा और फिर आप 360 डिग्री ऊपर तक ऐसे रोटेट हो पाएंगे। तो मज़ेदार है, जो राइड की एक्टिविटीज़ है ये आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये राइड हो चुकी है स्टार्ट, इस तरह से आप ऊपर तक जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके का थ्रिल और मज़ा आपको इस राइड में आने वाला है। देखो भाई कहाँ तक बच्चा पहुँच गया है, और बिल्कुल ऊपर तक पूरा रोटेट हो जाएगा। तो भाई इसी वजह से इसका नाम 360 डिग्री राइड पड़ा है। और मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है इस राइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, ज़बरदस्त तरीके का मज़ा ये राइड में आप कर सकते हैं यहाँ पर आकर। बिल्कुल ऊपर तक रुक चुकी है राइड, और इस तरह की राइड को आप करने के साथ में आपको ट्रेन राइड सामने देखने के लिए मिलने वाली है। ट्रेन राइड के साथ में ऊपर आप देखेंगे तो जिपलाइन की एक्टिविटीज चल रही है, जिपलाइन की एक्टिविटीज़ को भी आप मज़ा कर सकते हैं। इस साइड में देखेंगे तो कोलंबस राइड यहाँ पर चल रही है, ये सामने देख पा रहे हैं, कोलंबस राइड की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आपको, और ये वाली राइड भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल राइड की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। इसका ही साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और देखो जिपलाइन इस तरह से बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। जिपलाइन की एक्टिविटीज ये चल रही है, तो इस तरह से जिपलाइन की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, और क्वालिटी टाइम यहाँ पर आप आकर स्पेंड कर सकते हैं। कैटरपिलर राइड इस साइड में है, और इसके बाद में इस तरह की छोटी छोटी राइड भी अवेलेबल है जिनको काफ़ी आप मज़ा करने वाले हैं। ये राइड चल रही है यहाँ पर छोटी छोटी, और काफ़ी मज़ेदार राइड ये भी होने वाली है। इसके बाद में आपको एलिफेंट राइड भी देखने के लिए मिलने वाली है, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा कर सकते हैं आप। तो जल्दी चलते हैं अभी एलिफेंट राइड में और दिखाते हैं आपको किस तरह का एक्सपीरियंस आपको एलिफेंट स्लाइड में देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर बेसिकली एक एलिफेंट बनाया हुआ है इन्होंने, और इस तरह से आप एलिफेंट की में स्लाइड कर पाएंगे। तो ये वाली राइड भी काफ़ी मज़ेदार होती है, यहाँ पर छोटी छोटी राइड है और बच्चे काफ़ी मज़ा करते हैं इस तरह की स्लाइडों में। ये एलिफेंट राइड यहाँ पर बनी हुई है, और इसके बाद में फिर आप जाएंगे आगे तो एक और स्लाइड भी राइड भी बनी हुई है, उसमें भी आप काफ़ी मज़ा कर सकते हैं। तो उसमें चलते हैं फटाफट से, और किस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह टनल बना रखी है इन्होंने, और इस टनल में फिर आप गोल गोल घूमते हुए जाएंगे और फिर आप मज़ा कर पाएंगे। यहाँ पर इस तरह के इन्होंने ये भी बनाए हुए हैं गोल गोल से, तो ये नंबर्स बनाए हुए हैं, इन नंबरों को प्रेस करेंगे आप और फिर आप इंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से गोल गोल घूमते हुए नीचे तक आप आ पाएंगे, और ये राइड भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इस तरह का आपको मज़ेदार एक्सपीरियंस आने वाला है। तो जॉयगांव पिकनिक पार्क में अभी अप्रॉक्स 10:30 हो चुके हैं, और 10:30 पर हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी वैरायटीज़ ब्रेकफास्ट की आपको देखने के लिए मिलने वाली है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे उस एरिया से। यहाँ से आप प्लेट्स वगैरह ले पाएंगे, प्लेट्स लेने के बाद में सबसे पहले आपको ब्रेड टोस्ट देखने के लिए मिल पाएगा। ब्रेकफास्ट की सारी वैरायटीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको पोहा देखने के लिए मिल पाएगा, और पोहे की वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी मेरे को देखने में लग रही है। इससे आगे आप देखेंगे तो आलू की सब्ज़ी है मैम, ये आलू की सब्ज़ी ले पाएंगे, और गर्मा गर्म फूली फूली इस तरह की पूरी वगैरह आप देख पाएंगे। पूरी से आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये क्या है मैम, सांभर देखने के लिए मिल पाएगा, सांभर को ले सकते हैं आप। सांभर के बाद में आपको इडली देखने के लिए मिल पाएगी, इडली ले सकते हैं, और इडली के बाद में आपको गर्मा गर्म पराठा देखने के लिए मिल पाएगा दही के साथ में। चाहे तो आप पिकल वगैरह भी ले सकते हैं, और वाइट मक्खन वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सभी वैरायटीज़ आपको सुबह के जो ब्रेकफास्ट में देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे जैसे आते हैं आपको तो ये सारी वैरायटीज़ ब्रेकफास्ट में देखने के लिए मिलने वाली है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद एक्टिविटीज़ एरिया में चलते हैं और नई नई एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं ब्रेकफास्ट टाइम यहाँ पर 9:30 से लेकर 11:30 तक होता है, लंच टाइम 1:30 से 3:30 तक, ग्रामीण रसोई 11 से 4 के बीच में, और स्नैक्स काउंटर 11 से 4:30 के बीच में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और इन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं। सामने आपको ड्रैगन राइड देखने के लिए मिलने वाली है, उससे आगे आप एलिफेंट राइड देख सकते हैं। तो अलग अलग राइड्स का इंजॉय आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अभी जोएगा पिकनिक पार्क के उस एरिया में आ चुका हूँ जहाँ पर आपको स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। देख पा रहे हैं मेरे पीछे चल रहा है स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़, और काफ़ी बड़ा पूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और कूद कूद कर अपने जो एंजॉय कर रहे हैं। ये पानी का जो पूरे क्लियर क्रिस्टल पानी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, और एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी मज़ेदार देखने के लिए मिलने वाली है। सामने चेंजिंग रूम आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आप क्लोथ्स वगैरह कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एरिया स्विमिंग पूल का आप देख सकते हैं, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप मज़ा कर सकते हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं। दिसंबर का मिड एंड होने वाला है स्टार्ट, और आपको इस तरह की मस्ती यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। स्विमिंग पूल का एरिया आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप इस स्विमिंग पूल के एरिया में मज़ा कर पाएंगे। स्विमिंग पूल के बाद में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इस साइड में घूमूंगा तो ये पूरा एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर आपको आर्चरीज और डार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अभी इस एरिया को छोड़ने के बाद में चलते हैं अभी बाकी और एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो ये सारा एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको
आर्चरीज का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है। ये आर्चरीज हो रही है यहाँ पर, आर्चरीज के बाद में डार्ट की एक्टिविटीज हो रही है, गन शूटिंग की एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आर्चरीज की एक्टिविटीज़ को भी आप यहाँ पर आकर फन कर सकते हैं, निशाना लगाएंगे इस तरह से आप, और आर्चरीज की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आर्चरीज की एक्टिविटी में एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये धनुष मिल जाएगा और सामने टारगेट पर आपको निशाना लगाना पड़ेगा। तो ये आर्चरीज की एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर, और ये वाली एक्टिविटी भी काफ़ी मज़ेदार होती है। तो ये एक्टिविटीज़ को भी आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में आप जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिसका नाम है डार्ट की एक्टिविटीज़। तो डार्ट की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मज़ेदार होती है, और इस एक्टिविटीज़ को भी आप यहाँ पर आकर फन कर सकते हैं। ये सामने डार्ट की एक्टिविटी चल रही है, और यहाँ पर आपको 7D मूवी थिएटर भी देखने के लिए मिलने वाला है। ये देख पा रहे हैं सामने 7D मूवी थिएटर भी देखने के लिए मिलने वाला है इस एरिया में, उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले चलते हैं डार्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ये चल रही है सामने डार्ट की एक्टिविटीज़, और डार्ट के बाद में गन शूटिंग की एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी फ़न करने वाले हैं। यहाँ पर गन शूटिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है, और बच्चे काफ़ी इस एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने बोतल्स बना रखी है काफ़ी सारी, और इन बोतल पर गन शूटिंग के हिसाब से आपको टारगेट पर निशाना लगाना पड़ता है। तो ये गन है, इस गन के थ्रू इस तरह से आप निशाना लगा सकते हैं, और सामने बोतल्स बनी हुई। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, और काफ़ी फ़न करने वाले हैं। ये सामने जो एरिया आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट और फोटोज़ वगैरह के लिए एरिया देखने के लिए मिलने वाला है, और इस एरिया को भी काफ़ी मज़ेदार माना जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट आपको जयगांव पिकनिक पार्क के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, और काफ़ी फन करने वाले हैं। ये पूरा जो एरिया सामने देख पा रहे हैं एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पर सामने चल रही है डीजे की परफॉर्मेंस, जहाँ पर डीजे का आप मस्ती से इंजॉय कर पाएंगे। इस साइड में स्नैक्स का जो काउंटर है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और स्नैक्स में भी भरपूर मज़ा आप ले पाएंगे। यहाँ से आप सामने देखेंगे ना, तो आपको ये स्नैक्स काउंटर देखने के लिए मिलने वाला है, और स्नैक्स काउंटर में आपको जलजीरा और शिकंजी देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ से आप जलजीरा शिकंजी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिलने वाली है। ये सारी इंडोर गेम्स चल रही है यहाँ पर। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, एयर हॉकी, स्नूकर, चेस, कैरम, लूडो, ये सारी इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ हैं, और ये पूरा इंडोर गेम्स का एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्नैक्स के लिए ये सारा स्नैक्स के जो काउंटर है, आपको यहाँ पर जलेबी और मसाला टी देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर जलेबी वगैरह की फैसिलिटी ये अवेलेबल है, और इससे आगे जाने तो आपको यहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पॉपकॉर्न वगैरह को आप टेस्ट कर सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर पाव भाजी वगैरह टेस्ट करने के लिए मिलने वाली है। पाव भाजी आप देख पा रहे हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको टिक्कीज़ वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। टिक्कीज़ वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर इससे आगे आपको हल्का स्नैक्स वगैरह ये देखने के लिए मिलने वाला है। तो स्नैक्स भी चलता रहता है, और एक्टिविटीज़ को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। इस सामने डीजे काउंटर की एक्टिविटीज़ चल रही है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जयगांव पिकनिक पार्क में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये वाली टायर वाली एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से मज़े कर रहे हैं, और इस तरह से टायर की एक्टिविटीज़ में आपको एंजॉय देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह से आप जाएंगे, और फिर आगे तक आपको इन टायर की एक्टिविटीज़ में जाना पड़ेगा। सामने आप देख पाएंगे रोलर स्लाइड की एक्टिविटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और ये वाली एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़ेदार है। और ये देखो भाई, गोल स्लाइडर है ये, और इसके ऊपर जैसे ही बैठोगे ना तो बहुत बढ़िया पिछवाड़े की मसाज हो जाती है। अभी देखना ये आवाज निकालो जयगांव पिकनिक पार्क के अभी जिस एरिया में आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। इनफैक्ट एक्टिविटीज़ का एरिया ये माना जाता है। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से, वाटर जॉर्बिंग आपको ये देखने के लिए मिलने वाली है,
और यहाँ पर वाटर जॉर्बिंग की एक्टिविटीज़ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वाटर जॉर्बिंग की एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है। सामने देख पा रहे हैं वाटर जॉर्बिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है, और यहाँ पर वाटर जॉर्बिंग की एक्टिविटीज़ को भी आप मज़ा कर सकते हैं। इससे आगे साइड में जाएंगे तो काफ़ी सारे रोप कोर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, और इन रोप कोर्स में भी काफ़ी मज़ेदार फन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह से आप चढ़ेंगे और फिर नीचे ड्रॉप डाउन होंगे, तो ये सारे अलग अलग तरह के रोप कोर्स अवेलेबल हैं, और ये बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह से बच्चे ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, और एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर आप स्पेंड कर पाएंगे। तो सारे रोप कोर्स का एरिया अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, और सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर ये रोप कोर्स चल रहा है, और इससे आगे की साइड में भी ये रोप कोर्स की फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये भी रोप कोर्स है, और इस पर भी बच्चे मज़ा करते हैं। इस तरह से लकड़ी के इन्होंने गुटकेस बनाए हुए हैं, और इन पर चढ़ने के बाद में फिर आप मज़ा कर पाएंगे। तो ये भी रोप कोर्स की एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, और मज़ेदार एक्सपीरियंस इन रोप कोर्स की एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह से पैर रखेंगे यहाँ पर नीचे, और पैर रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को रोप कोर्स के एरिया में आप मज़ा कर पाएंगे। ये एक्टिविटीज़ भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो जिपलाइन की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। रोप कोर्स से आप आगे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लो रोप कोर्स और हाई रोप कोर्स ये दोनों देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लो रोप कोर्स और हाई रोप कोर्स दोनों की ही एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। ये लो रोप कोर्स चल रहा है नीचे, और हाई रोप कोर्स चल रहा है, इट मीन्स नीचे वाला लो रोप कोर्स, और ऊपर ही साइड में भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको हाई रोप कोर्स देखने के लिए मिलने वाला है। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी फन कर रहे हैं इन सभी एक्टिविटीज़ में, और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको इन सभी एक्टिविटीज़ एरिया में यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा है। ये सभी रोप कोर्स का एरिया देखने के लिए मिल पा रहा है यहाँ से, और ये इन सभी एक्टिविटीज़ को आप यहाँ से मज़ा कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। इसके पास में आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिलने वाली है। टायर्स पर भी चल सकते हैं आप, और टायर पर चलने के बाद में आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये इस तरह के ऐसे चलेंगे, और काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी बच्चे इन सभी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, और एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर आप इन्जॉय कर रहे हैं। ये सारा एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इन सभी एक्टिविटीज़ को। इसके बाद में एक बड़ा रोप कोर्स का एरिया आपको ये देखने के लिए मिल पा रहा है, और उसको भी यहाँ पर आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सभी इस तरह से पीछे से जाएंगे, और इस तरह से घूमते हुए इस रोप कोर्स की एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर पाएंगे। ये पूरा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और सामने स्ट्रीट आप जाएंगे तो विलेज स्ट्रीट आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जहाँ पर ट्रैक्टर राइड और अलग तरह की राइड है उनको आप फन करने वाले हैं यहाँ पर आकर। जयगांव के अंदर आपको इस तरह के लंबे लंबे रोप कोर्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। रोप कोर्स की स्टार्टिंग उस एंड से होती है, और बच्चे, स्कूली बच्चे, बड़े पेरेंट्स वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। तो ये काफ़ी बड़ा रोप कोर्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और ऐसे आप घूमेंगे तो अब इस तरह जाएंगे और फिर उस पॉइंट पर एंड कर पाएंगे। तो ये सारा लंबा वाला रोप कोर्स देखने के लिए मिलने वाला है, और इन सभी एक्टिविटीज़ को काफ़ी मज़ा कर सकते हैं आप। आप जूम करके दिखाएंगे तो इस तरह का से आप जाएंगे, और एक यूनिक सा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रैम्पोलाइंस वगैरह भी देखने के लिए मिलने वाली है। ये सामने बच्चे ट्रैम्पोलाइंस की एक्टिविटीज़ को फन कर रहे हैं, और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। हाई रोप कोर्स, लो रोप कोर्स की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। और स्ट्रेट आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में वॉल क्लाइंबिंग देखने के लिए मिलने वाली है, ब्लॉक क्लाइंबिंग, टायर सेफ बर्मा, ट्रैम्पोलाइन, टायर क्लाइंबिंग, रेपलाइन और बैम्बो ब्रिज जैसी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है, सामने देख पा रहे हैं इन सभी एक्टिविटीज़ की, और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिलने वाला है। एक और एक्टिविटीज़ एरिया में आ चुके हैं, जहाँ पर पोइट्री एक्टिविटीज़, कठपुतली डांस और चंपी मालिश के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 360 डिग्री साइकिलिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं, ट्रेन राइड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और जिप लाइन आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे की साइड में आप जाएंगे तो स्काई साइकिलिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिलने वाली है, और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये पूरा एक्टिविटीज़ का एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, और इस तरह से आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। सर्दी के समय पर आपको इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो देखने के लिए मिलने वाला है। सामने आप जाएंगे तो आपको पारंपरिक पोशाक वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है, और मज़ेदार इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो देखने के लिए आपको मिलने वाला है।
सामने चल रही है कोलंबस राइड, और कोलंबस राइड में भी आप यहाँ पर आकर मजा कर सकते हैं। ये कोलंबस राइड आपको देखने के लिए मिलने वाली है, सामने देख पा रहे हैं, और सभी बच्चे बैठ चुके हैं, तो कोलंबस राइड को भी आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से जाएगी कोलंबस राइड झूलने के बाद में, फिर एक अल्टीमेट वाला जो एक्सपीरियंस है वो कोलंबस राइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो कोलंबस राइड जैसे स्टार्ट होती है, स्ट्रेट आप जाएंगे तो आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल, अलग तरह की जो गेम्स वाली एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलने वाली है, और इसके आगे की साइड में आपको झूले वाली एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ का ये एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल कोलंबस राइड स्टार्ट होने वाली है, तो इसको एक्सप्लोर। अभी आप सामने देख पा रहे हैं तो आपको ये मिक्की माउस वाली राइड भी देखने के लिए मिलने वाली है, और सबसे ज़्यादा शोर आपको कोलंबस राइड में देखने के लिए मिल पा रहा है। सामने चल रही है और ये चल रही है मिक्की माउस की राइड, तो ये इस तरह की राइड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बच्चे काफ़ी फन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे बच्चे आपको इन्जॉय करते हुए देखेंगे, और ये मिक्की माउस की राइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। इस साइड में कोलंबस राइड कर सकते हैं, ऊपर की साइड में आपको जिप लाइन देखने के लिए मिलने वाली है, जिप साइकिलिंग कर सकते हैं आप, और छोटे छोटे बच्चे अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनको फन कर सकते हैं। तो मज़ेदार अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अभी और भी काफ़ी सारी राइड अवेलेबल है, टॉय ट्रेन वाली राइड अवेलेबल है, तो टॉय ट्रेन की राइड करने वाले हैं, और इस तरह से आँखों पर पट्टी बांधकर बच्चे इन सभी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। आँखों में पट्टी बंधी हुई है और सामने टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं, तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो भैया ने आँखों पर पट्टी बांध दी है, और आँखों पर पट्टी बांधने के बाद में फिर डंडा हाथ में बच्चे के में, और फिर इस तरह के जो निशाने वगैरह लगाए हुए हैं इन पर आपको निशाना लगाना पड़ेगा। तो मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है ये भी आपको इस तरह का देखने के लिए मिलने वाला है, और एक जो ज़बरदस्त मज़ा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। भाई जो गोल गोल घुमा रहा है इसको, और घुमाने के बाद फिर छोड़ देगा और फिर निशाना लगाएगा। देख पा रहे हैं अब ये अंदाजे से निशाना लगाया बच्चा कि कहाँ पर टारगेट है हमारा और कहाँ पर निशाना लगा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। बच गया, और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी मज़ा कर सकते हैं। सवारी खड़ी हुई है, सारी की सारी सवारी आने वाली है ट्रेन के अंदर, ये देख सकते हो ट्रेन हो चुकी है रेडी चलने के लिए, और काफी सारे बच्चे इस चलने में बैठ चुके हैं, और आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। शिमला की टॉय ट्रेन के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, आपको जयगांव में इस तरह की टॉय ट्रेन देखने के लिए मिलने वाली है, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस टॉय ट्रेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बच्चे बैठे हुए हैं और टॉय ट्रेन में चलने के लिए तैयार हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और इस तरह से आप टॉय ट्रेन में बैठने के बाद एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सभी बच्चे अपने अपने डब्बों में बैठे हुए हैं और एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर आकर स्पेंड कर सकते हैं। ये देखें देख पा रहे हैं किसने तरह से मज़े कर रहे हैं बच्चे, और बैठने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो बैठने का खड़े होने के साथ में आप टॉय ट्रेन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यहाँ पर आप इस तरह की पटरीज बना रखी हैं यहाँ पर नीचे, तो इस पटरीज के सहारे ये टॉय ट्रेन चलने वाली है। सामने ड्राइवर बैठता है और इस तरह से गोल गोल जाने के बाद में फिर आप इस टॉय ट्रेन की राइड को इन्जॉय कर पाएंगे। तो करते हैं अपनी टॉय ट्रेन की राइड को स्टार्ट। सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह की ATV राइड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका कि 100 rupees एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, और इस तरह की राइड में आप इंजॉय कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी राइड यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको ट्रैक्टर राइड देखने के लिए मिलने वाली है, कैमल राइड देखने के लिए मिलने वाली है, कैमल कार्ट कर सकते हैं। तो इस एरिया में भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ अवेलेबल है,
स्ट्रेट आप देखेंगे तो क्रिकेट की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे, और क्रिकेट की एक्टिविटीज़ के सामने आपको वॉलीबॉल की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये वॉलीबॉल की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको आउटडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ में देखने के लिए मिलने वाला है। ये वाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मज़ेदार है। और पीछे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जाइंट व्हील वाली राइड अवेलेबल है, और ये वाली एक्टिविटीज़ को करने के साथ में आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ और भी देखने के लिए मिलने वाली है। एक और एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर चल रही है ट्रैक्टर राइड। सामने ट्रैक्टर राइड में आप काफ़ी मजा कर सकते हैं, और बच्चे 50 से 60 एक साथ ट्रैक्टर राइड को एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैक्टर राइड के साथ में आपको कैमल राइड भी देखने के लिए मिल पाएगी। यहाँ पर कैमल बैठे हुए हैं, कैमल्स अवेलेबल हैं, और कैमल राइड को भी आप एंजॉय कर पाएंगे। और इस एरिया का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली राइड काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, और इस तरह की राइड में काफ़ी फ़न कर रहे हैं बच्चे। इस राइड पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी आपको देखने के लिए मिल पा रही है, और मज़ेदार एक्सपीरियंस इस तरह की राइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इससे आगे बुल राइड भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये वाला जो एरिया है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और एक क्वालिटी टाइम, एक पिकनिक वाला जो फील है वो आपको यहाँ पर आने वाला है। ट्रैक्टर राइड उस साइड से ऐसे घूमते घूमते इस साइड को आ रही है, तो ट्रैक्टर राइड में 3 से 4 चक्कर लगाते हैं, और मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है ट्रैक्टर राइड में भी आपको यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिलने वाला है। ट्रैक्टर राइड चल रही है, और इस साइड में चल रही है आपकी झूले वाली राइड। सामने देख पा रहे हैं बच्चे आप क्रिकेट वगैरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको मजा कर रहे हैं। 3-3 पिच आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, और क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में काफ़ी मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आउटडोर गेम्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ को आप ज़बरदस्त तरीके से मज़ा कर पाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो आप इन्जॉय करेंगे ही, और इस साइड में भी बहुत बड़ा एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कैमल राइड, कैमल कार्ट, और ये वाला जो जाइंट व्हील है देखने के लिए मिलने वाला है। सारा जो एक्टिविटीज़ का एरिया अवेलेबल है, कैमल राइड यहाँ पर ये चल रही है, तो कैमल राइड को भी आप यहाँ पर आकर मज़ा कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ में एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर आकर स्पेंड कर सकते हैं। तो एक और एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जिसका नाम है एयर साइकिलिंग, और जयगांव आप आ रहे हैं तो जिप लाइन के साथ में एयर साइकिलिंग की एक्टिविटीज़ है वो भी आपको करनी चाहिए। सामने आप ये साइकिल देख पा रहे हैं, 2 पर्सन बैठ कर करते हैं, और जो ज़्यादा वेट का होता है तो सिंगल पर्सन भी करता है। इस पर बैठेंगे आप और इस तरह से वायर पर जाएंगे और एंड पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। तो चलते हैं हम भी अपनी जिप साइकिलिंग की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। भाई साइकिलिंग की एक्टिविटीज़ हो चुकी है हमारी स्टार्ट, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम भी मजा कर रहे हैं। आप भी इस सभी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस साइकिलिंग का आपको देखने के लिए अभी मिल पा रहा है, और साइकिलिंग हमारी फिनिश हो चुकी है यहाँ पर। भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आया साइकिलिंग कर कर, और जयगांव आने पर ना ये वाली एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट थ्रिल तो आएगा ही आपको, और ज़बरदस्त तरीके का मज़ा भी आने वाला है। अप्रॉक्स 2 बजे जयगांव पिकनिक पार्क में लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लंच का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर मल्टीपल टाइप्स का अलग अलग डिफरेंट टाइप का लंच आप कर सकते हैं। तो बच्चे पिकनिक में इंजॉय कर रहे हैं, और लंच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो 1:30 हो चुके हैं, और ये पूरे एरिया में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लंच यहाँ पर बैठ कर सकते हैं। तो लंच की स्टार्टिंग यहाँ से आप प्लेट्स वगैरह लेकर कर सकते हैं, यहाँ से प्लेट्स ले पाएंगे आप। प्लेट्स लेने के बाद में सैलड्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल पाएगी, और उसके बाद में आपको नूडल्स वगैरह देखने के लिए मिल पाएंगे। चौमीन सबकी बहुत फेवरेट होती है, तो चौमीन आप ले सकते हैं यहाँ से। चौमीन के बाद में आपको सीजनल वेज, मिक्स वेज देखने के लिए सब्जी देखने के लिए मिल पाएगी। ये वेज सब्जी है, मिक्स वेज आपको देखने के लिए मिल पाएगी। मिक्स वेज के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको ये क्या है, कढ़ाई पनीर देखने के लिए मिल पाएगी, और ये कढ़ाई पनीर में पनीर भरा हुआ आपको देखने के लिए मिल पाएगा। यहाँ से आप कढ़ाई पनीर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी मज़ा कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर। तो उसके बाद में आपको क्या है भैया, राजमा, ये राजमा टेस्ट करने के लिए मिल पाएगा। राजमा को आप टेस्ट कर सकते हैं। राजमा के बाद में आपको कढ़ी देखने के लिए मिल पाएगी, कढ़ी है, कढ़ी पकौड़ा आपको देखने के लिए मिल पाएगा। ये कढ़ी पकौड़े की वैरायटीज़ आपको लंच टाइम में देखने के लिए मिल पाएगी। फिर आप आगे आएंगे तो आपको राइस देखने के लिए मिल पाएगा, और फिर आपको स्वीट में गुलाब जामुन देखने के लिए मिल पाएगी। ये गुलाब जामुन है, तो इस तरह की वैरायटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, और यहाँ पर आपको नान वगैरह देखने के लिए मिल पाएगी। और सबसे एंड में आपको ये देख पा रहे हैं, आपको गर्म ठंडा ठंडा रायता देखने के लिए मिल पाएगा, तो आप यहाँ से रायता वगैरह ले सकते हैं। ये सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर लंच टाइम में देखने के लिए मिलने वाली है, और काफ़ी सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और खाना खाने के साथ में बच्ची एक्टिविटीज़ है उनको डिफरेंट टाइप की परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ का एरिया, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड का देखने के लिए मिल पा रहा है, और बच्चे बड़े सभी अपना जो फेवरेट फूड है उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। ये पूरा जो
अलग तरह का जो फूड है उसको ले रहे हैं यहाँ पर, और लेने के बाद में यहाँ से आप ये पूरे एरिया में यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो भाई हम भी अपना फूड लेते हैं और लेने के बाद में फिर बच्ची एक्टिविटीज़ को इंजॉय करने वाले। बेटा यहाँ का लंच कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। yeah. तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग इस तरीके से। जॉयगांव में आपको इस तरह के सीटिंग का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल पाएगा। डिफरेंट डिफरेंट लंच आप टेस्ट कर सकते हैं और सभी स्कूली बच्चे डिफरेंट टाइप का लंच टेस्ट कर रहे हैं। तो लंच करने के बाद में बाकी सभी एक्टिविटीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी हाइजीन और क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पर लंच वगैरह की फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। ये सब लंच इंजॉय कर रहे हैं बच्चे और इंजॉय करने के बाद में फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ है उनको करने वाले। तो काफ़ी सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर डीजे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये पूरा डीजे का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस तरह से अच्छी तरह से डेकोरेट करके बनाया हुआ है और डीजे की परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर सीटिंग का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और सामने चल रही है डीजे वगैरह की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर डीजे वगैरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मज़ेदार क्वालिटी टाइम यहाँ पर आपको स्पेंड करने के लिए मिलने वाला है। ये पूरा जो एरिया आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को इंजॉय करने के साथ में आपको यहाँ पर 7D थिएटर भी देखने के लिए मिलने वाला है और 7D थिएटर में आपको मूवी देखने के लिए मिलने वाली है जो डायनासोर से रिलेटेड होने वाली है। और टाइमिंग्स की बात करूँ तो आपको 9:30 से लेकर 3 PM के बीच में इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। मूवी का थिएटर का नाम है 7D थिएटर और मज़ेदार मूवीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। सीधा आप स्टेट जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिरर मेज देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर काफ़ी सारे मिरर होते हैं और एक भूल भुलैया वाला वातावरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये सामने आप देख पा रहे हैं मिरर मेज को भी आप इंजॉय कर पाएंगे, बंजी बास्केट देख पाएंगे आप और मल्टीपल एक्टिविटीज़ का एरिया ये आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल पा रहा है। काफ़ी सारे स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। किस स्कूल से हैं आप? स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल। और क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने एंजॉय की यहाँ पर? सेवेंटी मूवी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। मज़ा आया आपको यहाँ पर अभी? और फूड वगैरह खाया आपने? तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे स्कूली बच्चे आए हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को साथ में लेकर। तो भाई इस तरह की जिपलाइन भी आप इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ की जिपलाइन काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो ये जिपलाइन चल रही है और एंड तक आपको जिपलाइन ये देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस तरह की जिपलाइन की एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है और काफ़ी इंजॉयबल एटमोसफेयर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा एरियल व्यू देख पा रहे हैं और अलग अलग तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो फिलहाल हम भी इस तरह की जिपलाइन करते हैं और एंजॉय करते हैं यहाँ के फुल टूर को।